Assertion: According to Le Chatelier principle, addition of heat to an equilibrium. तो देखो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हमने क्या किया है, हीट एडिशन किया है इसमें, हीट में, हीट का, ठीक है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. अब वो रीजन दे रहा है कि जो है रिजल्ट इन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सॉलिड. तो इस कंडीशन में जो है सॉलिड का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो इसके लिए जो रीजन दिया है कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो सही है, रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, हीट हम एडिशन करवा रहे हैं उसमें तो एंडोथर्मिक है. सो ऑन हीटिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. तो यहाँ पे देखो हीट होगा, तो सॉलिड अगर हीट होगा, यानी कि अगर हम आइस क्यूब की बात करें तो आइस क्यूब जो है उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होगा, तो वहाँ पे सॉलिड का जो अमाउंट होगा, यानी कि बाद में कुछ टाइम बाद सॉलिड में रहेगा क्या वो, उस कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है वो रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पर जो है एसर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही क्या है, करेक्ट है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए.